श्वेता, -7-8 डिग्री के तापमान में ये बुलेटिन हम यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ पर क्या तापमान, लोगों की क्या राय, बर्फबारी के साथ सैलानियों का आना या मुश्किलों से भी थोड़ी बहुत परेशानी? श्वेता, तो लोग खुश बहुत हैं बर्फबारी से। आम दिनों में जो दिक्कतें इन्हें आ रही हैं वो एक तरफ छोड़कर, क्योंकि पर्यटन सबसे बड़ा इनके लिए, और पर्यटन यहाँ पर बढ़ता है जैसे जैसे बर्फबारी होती है, और साथ ही पानी की वो समस्या जो आने वाले दिनों में शायद इनका मुंह ताकती, अब उसे देखकर ये खुश हो रहे हैं कि बर्फबारी कम से कम जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। तापमान जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, वहां पर अभी जो वेदर ऐप है हमारा, वो 1 डिग्री दिखा रहा है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं माइनस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कपकपाती ठंड, लेकिन खुशखबरी मौसम के लिहाज से जरूर अंजना। तो ये है श्रीनगर का हाल, -8 डिग्री तापमान पे आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। श्रीनगर का हाल तो आपने देख लिया है, यहाँ पर जबरदस्त ठंडक है, बर्फबारी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि सैलानी है। सीधे लिए चलते हैं आपको मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, शिमला का हाल बताएंगी। मीनाक्षी, बिल्कुल अंजना, क्योंकि आप कश्मीर के टेम्परेचर का जिक्र कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर सिर्फ एक नंबर रह गया है, क्योंकि यहां शिमला में भी सुबह का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी तापमान काफी गिर चुका है, माइनस में जा चुका है, तो सिर्फ नंबर भर रह गया है। लेकिन ठंड इतनी है यहां पर कि जब हम यहां पहुंचे दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर का सफर करके, तो लोगों का ये कहना था कि बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, टूरिस्ट को बेशक मजा आ रहा है लेकिन समस्याएं काफी हो रही हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए हमारा ये अनुभव, शिमला का भी और शिमला के बाहर के इलाकों का भी क्या हाल है। शिमला में इस बार 26 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में जितनी बर्फ गिरी उतनी 1990 के बाद कभी नहीं गिरी थी। स्थानीय लोग भले परेशान हो लेकिन यहाँ पहुंचे सैलानी जबरदस्त लुत्फ उठा रहे हैं। जिन्होंने बर्फ नहीं देखती वो स्नोफॉल देखना चाहते हैं, लोग ठंड के मौसम में घूमना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बर्फबारी में भी लोग कितना एंजॉय कर पा रहे हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे ही हम बात करते हैं। हेलो मैम। हाय, हेलो, आपको नए साल की शुभकामनाएं। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ सिर्फ हम बर्फ देखने के लिए आए हैं। मतलब जब मालूम पड़ा कि यहाँ सैटरडे संडे में एक्सपेक्टेशन है कि स्नोफॉल होगा, तो हम लोगों ने एकदम प्लान बनाया, एकदम फैमिली के साथ आए हैं। ये मेरे सन इन लॉ हैं, तो ये देखिए जी, पूरे परिवार के साथ आए। अच्छा मैम, आप तो आइसक्रीम भी खा रही हैं और साथ में ये छोटे से बच्चे आइसक्रीम खाते हुए, मतलब सर दिल्ली में 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया, आप लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पर आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं, वो भी बर्फ। हिल स्टेशन में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, वो भी स्नो के अंदर। ठंड नहीं लग रही आपको? बिल्कुल भी, मजा आ रहा है। 7-8 जनवरी के दौरान भारी बर्फबारी हुई, 36 घंटे में 90 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। 1990 के बाद 2017 में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। शिमला कुफरी में कई पर्यटक फंस गए थे, 200 जेसीबी मशीनों की मदद से खुले रास्ते। बर्फ और बर्फबारी दिखने में बहुत खूबसूरत लग सकती है, लेकिन जब आप उसी जीवन में जीते हैं, रोज आपको उससे गुजरना पड़ता है, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं, ये जानने के लिए आज तक के स्पेशल कवरेज के तहत हमारी टीम दिल्ली से शिमला पहुंची है। शिमला में मॉल रोड से कुछ आगे हम हैं, इसे रिज इलाका कहते हैं, और अगर आपकी नजर वहां जाएगी उस पूछे पूरे रोड तक, आप देखेंगे कि बर्फ की चादर अभी भी करीब 15 से 16 इंच तक आपको दिखाई देगी। हालांकि जो यहां पर लोग हैं, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब बर्फ गिरी थी पिछले हफ्ते, पिछले शनिवार रविवार को, उस वक्त करीब 2 से 2.5 फीट मोटी बर्फ की चादर यहां जमा हो गई थी। रास्ते अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाए हैं, अभी भी यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ दुकानें चलाते हैं, जिनका यहाँ काम काज है, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं जैसे जिक्र मैंने अभी किया कि बर्फबारी हमें दिल्ली से बैठकर बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन शायद जो लोग यहाँ रहते हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि बर्फ गिरने से कितनी समस्याएं आती हैं। बहुत समस्याएं थी मैम, 6 दिन बाद तो लाइट आई है, आज तक जो है पानी नहीं हमारे तक अभी तक पहुंचा है, जमा पड़ा है सारा। वैसे भी 2.5 फुट बर्फ थी तो बहुत मुश्किल होता है, 4 दिन बाद दूध मिला हमारे को, लाइफ बहुत हार्ड है। बिल्कुल, अब अंदाजा लगाइए कि जब हड्डियां कम कंपाने वाली ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और इस दौरान बर्फबारी भी होती है, तो लोगों पर क्या गुजरती होगी? यानी जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध, सब्जियां, जो आपको सफर करना है या आप किसी को फोन तक करना चाहते हैं, जो आपकी डेली के कामों में शुमार है, इनमें तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप लोग भी यहाँ पर शॉप चलाते हैं, आपको किस तरह की समस्याएं इन दिनों में? समस्या मैम, सबसे पहले तो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है,
और उसके बाद बिजली बिजली दे रही। इस बारी तो काफी मतलब इनका जो वर्क था सरकार का या मानसी का वो ठीक नहीं रहा। कितने दिन बाद बिजली आई आपके घर? 6 दिन के बाद। 6 दिन बाद? तो ये 6 दिन आपने कैसे गुजारे? 6 दिन बस वैसे ही है, नहाए नहीं 4-4 दिन, तो 5-5 दिन नहाना नहीं पड़ा हमको। करीब हफ्ते भर पहले पैदा हुए मुश्किल हालात के बाद शिमला की रौनक फिर से लौट आई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि सड़कों पर, बीच बाजार में, गली मोहल्लों में, हर जगह अभी भी जहाँ तहाँ बर्फ जमा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, आप लोग भी दिल्ली से आए हैं? आप? अच्छा, फैमिली है? हाँ। तो दिल्ली में ऑलरेडी इतनी ठंड है, आप लोग यहाँ पर आए तो ठंड से कोई, तो आप एंजॉय कर रहे हैं? आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं? कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ आए? हाँ, पूरी तैयारी के साथ आए। ये टूरिस्ट के चेहरे की खुशी है, लेकिन मॉल रोड यहाँ का सबसे बिजी इलाका, सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि लोग जो भी यहाँ पहुँचते हैं वो आते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर लगभग सभी बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े मार्केट यहाँ मौजूद है, खाने पीने की सुविधाओं से लेकर कुछ सामान अगर खरीदना हो वो। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि जब आसपास की पहाड़ियाँ आपको बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती हैं, बर्फ की चादर में ढकी हुई दिखाई देती हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको दिल्ली में, पंजाब में या कहीं और से आप आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती, और इसलिए लोग रुख करते हैं पहाड़ों की रानी शिमला का। शिमला और कुफरी के अलावा इस बार हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी 15 सालों बाद बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 15 और 16 जनवरी को दोबारा भारी बर्फबारी होगी। शिमला से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो जबरदस्त ठंड के बीच आप देख रहे हैं -8 डिग्री टेम्परेचर से हमारे ये विशेष पेशकश। लेकिन अब आपको श्रीनगर से आगे, बल्कि आप कह लीजिए हिंदुस्तान में, उत्तराखंड की तरफ लिए चलते हैं, और वहां से श्वेता हमारी सहयोगी धनोल्टी आसपास जो ग्लेशियर्स हैं उन सब की रिपोर्ट आपको दिखाने वाली है श्वेता। जी अंजना, दरअसल उत्तराखंड जो है वो अलग इस मामले में हो जाता है कि जो चोटी के गांव हैं, ऊपर ऊपर के गांव हैं, वहां पर जो लोग बसते हैं, मुश्किल से वहां की आबादी कुछ 100 में रहती है, और बर्फबारी के वक्त वो नीचे उतर कर आने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे भयंकर शीतलहरी की चपेट में उत्तराखंड का ये इलाका है। चुनाव आने वाले हैं, वो गर्मी भी यहाँ की ठंडक को दूर नहीं कर पा रही है। नए साल के पहले हफ्ते में उत्तराखंड भी बर्फ की सफेद चादर से सफेद हो गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर टिहरी तक बर्फ ही बर्फ है। कहीं सड़क किनारे बर्फ की मोटी चादर बिछी है, तो कहीं बाल्टियों और ड्रमों में रखा पानी जम गया है, पाइपलाइन में पानी भी जम गया, तमाम परेशानियां हैं। लेकिन बर्फबारी से सैलानी खुश है। स्नोफॉल देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मौसम के आसार ऐसे हैं कि दोबारा से स्नोफॉल होगी, जिससे कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठंड तो बहुत ज्यादा है, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, और पहली बार मैं अपनी स्कीइंग करना चाहती हूँ, स्कीइंग का मजा लेना चाहती हूँ। मम्मी जरा हमारी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ओली में ये मेरा पहला ट्रिप है और मैं इसको पूरे से एंजॉय करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लोग दिल्ली से आए हैं ऑफिस के साथ, और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बहुत सारी बर्फ है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ठंड भी बहुत है यहाँ पे। अब ये नजारा देखिए, बर्फ से ढकी सड़क और सड़क के दोनों तरफ बर्फ से लदे पेड़ पौधे, दूर दूर तक बस बर्फ ही बर्फ। आमतौर पर ऐसा नजारा फिल्मी पर्दे पर दिखाई देता है, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में आप खुद इस हसीन नजारे के गवाह बन सकते हैं। इसी तरह ये तस्वीर ओली की है। दूर दूर तक पूरी जमीन, मकान, पेड़ पौधे, सब कुछ सफेदी में ढके दिख रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों पहले ताजा ताजा बर्फ यहाँ पर पड़ी है, आप देखेंगे कदमों के निशान तक नहीं अभी यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ ये जब बर्फ पड़ती है ताजा तो काफी लूज रहती है, लोग इसका इस्तेमाल एक दूसरे पर फेंकने के लिए करते हैं, लेकिन रात का वक्त है, बहुत ज्यादा खुशनुमा माहौल नहीं रहेगा, इसलिए आइडिया ड्रॉप अभी के लिए। बर्फ पड़ने के बाद तापमान जो है वो अगर कम रहता है तो उसे थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी उतनी ठंड नहीं रहती है, लेकिन देखकर ठंड कुछ ज्यादा लगने लगती है। मुश्किल ये हो जाती है और हो गई है इस वक्त कि जो पूरा रास्ता है वो बंद हो गया है, गाड़ियों को रुकना पड़ा है, और हमें भी जहां पर हम ठहरे हैं वहां जाने के लिए 4 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होगा, और बर्फ पर फिसलन भी काफी है। बर्फबारी के चलते देश भर से सैलानी टिहरी, चमोली, नैनीताल जैसी जगहों की ओर दौड़ पड़े हैं।
जाहिर है सैलानियों की बढ़ती तादाद से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए। बर्फ पड़ जाएगी इतनी उम्मीद थी आपको? जी मैम इतनी उम्मीद तो नहीं थी, इस बार काफी ज्यादा बर्फ पड़ी, हमको मजा भी आ रहा है, हम यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, उस हिसाब से एक दूसरे पे लड्डू बना के देख रहे हैं, उस हिसाब से बर्फ का काफी मजा आ रहा है, स्टूडेंट है तो इस हिसाब से हमारे लिए काफी एक एंजॉय का मोमेंट हो गया ये सब, हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं। रिक्रिएशन हो रहा है। लेकिन आपको देख कर लग रहा है आपकी नाक लाल हो चुकी है। मेरा हो जाता है, इनफैक्ट पूरा कॉलेज ही हमारा आ रहा है यहाँ पे अब कुछ दिन में, धीरे धीरे सबको पता चलेगा, सब आ रहे हैं देहरादून से, दिल्ली से, जहाँ से जिसको पता चल रहा है, रिलेटिव्स को भी हमने बता दिया कि स्नोफॉल हो रही है और सब अब पहुंच। जो सुन रहा होगा फोन पर उसे तो आपसे जलसी हो रही होगी। हाँ बहुत, मैंने अपने दोस्तों को भी बोला है, वो लोग अभी भी बहुत जलस है। बर्फबारी के अलावा बीते दिनों कई जगहों पर बारिश भी मिले जुले असर से ठिठुरन कुछ इस कदर बढ़ी है कि गाड़ियों में भरा डीजल भी जम गया है। इंजन चालू करने के लिए आग जलाकर पहले डीजल पिघलाना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में बद्रीनाथ, चमोली, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के कई इलाकों में दोबारा बारिश होगी और 18 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। इन लोगों को देखकर ये मत समझिएगा कि बर्फ पड़ी है तो ठंड नहीं है, क्योंकि किसी ने टोपी नहीं पहनी है, एक स्वेटर में है, ये गर्म खून है शायद, जो मुझ में तो फिलहाल नहीं है, न ही मेरे कैमरा पर्सन अमित कुमार में। आपने सुना होगा गंगोत्री ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट कर गिरा था जब बरसात का मौसम था। दरअसल बारिश का पानी घुसता है, दरारें बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर उसमें बर्फ आ जाए जमकर ग्लेशियर के लिए अच्छी खबर होती है, यानी सभी ग्लेशियर्स के लिए यहाँ अच्छी खबर। हिमालय में हुई इस साल की ताबड़तोड़ बर्फबारी ग्लेशियरों के सारे घाव भर देगी। बिखरते और टूटते ग्लेशियर बड़े खतरे की घंटी माने जा रहे थे। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से ग्लेशियर के पिघलने की कई रिपोर्ट्स वैज्ञानिकों के माथे पर शिकन ला रही थीं। इसकी सीधी वजह ये है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के स्रोत हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर पर खतरा होने से नदी का अस्तित्व मुश्किल में, गंगा यमुना जैसी नदियों का जलस्तर घट सकता है, वाटर सिस्टम बिगड़ने से अकाल सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। पिछले साल सर्दियों में बर्फबारी नहीं के बराबर हुई थी, नतीजतन ग्लेशियर सूखे रह गए और देश भर के मौसम में पूरे साल खुश्की छाई रही। इसका असर गर्मियों में ज्यादा दिखा जब जंगलों में आगजनी की घटनाएं ज्यादा देखने को मिली, लेकिन इस बार दिसंबर और जनवरी में हुई अच्छी बर्फबारी से ग्लेशियरों पर बर्फ जमा होने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जनवरी फरवरी में गिरने वाली बर्फ ग्लेशियर पर अच्छी तरह जमती है, फरवरी के बाद तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पर बर्फ जमती नहीं। ग्लेशियर पर बर्फ जमने से वाटर सिस्टम में सुधार होगा, गर्मियों के मौसम में नदियों में पानी की कमी नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और भी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर है हिमालय के ग्लेशियरों के अच्छे दिन अभी जारी रहेंगे और ग्लेशियर सेहतमंद रहेंगे तो हिंदुस्तान की सेहत भी दुरुस्त रहेगी। धनौल्टी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बर्फबारी जिसे हम सफेद सुनामी कह रहे हैं, लेकिन ये बर्बादी नहीं लाती है, ये मुस्कुराहट लाती है उन चेहरों पर जो सैलानियों का इंतजार करते हैं इस बर्फबारी के बीच में, और वही इंतजार श्रीनगर और आसपास के तमाम इलाके कर रहे हैं। ठंड बहुत है, ख्याल रखिएगा। सीधे श्वेता जी, और यही बर्फबारी जो है मिट्टी को तैयार करेगी उन फसलों के लिए जो इन इलाकों में उगते हैं, और शायद कीमतें भी घटेंगी, तो उसका इंतजार कीजिए आप, क्योंकि इस ठंड में ठिठुरते हुए भी खुशखबरियां बहुत सारी हैं। मीनाक्षी और श्वेता, मैं जरूर अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग वेदर फोरकास्ट सुन के सैटरडे संडे यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो आए जरूर, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आए, गर्म कपड़े और अगर खाने पीने के लिए भी कुछ गर्म तासीर वाली चीजें लेकर आए तो बेहतर होगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मेरी रिपोर्ट में इतना ही। में हम इस वक्त मौजूद हैं और घुटनों तक बर्फ पहुंच जा रही है। इतनी बर्फ है यहाँ पर, हल्की वाली वही बर्फ जिससे खेलने के लिए सैलानी पहुंचते हैं। यहाँ ये जब बर्फ पड़ती है ताजा तो काफी लूज रहती है, लोग इसका इस्तेमाल एक दूसरे पर फेंकने के लिए करते हैं। मजा भी आ रहा है, हम यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, उस हिसाब से एक दूसरे पे लड्डू बना के फेंक रहे हैं।
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस वक्त हम मौजूद हैं। ठंड नहीं लग रही आपको?